वेलकम ऑन दी माय यूट्यूब चैनल जी एस बी वैभव चंद्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल डिस्कस ऑन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या, इसको आज हम लोग समझेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये चर्चा में रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि COVID-19 की वजह से पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है और पूरा विश्व जो है इसको समाप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य होते हैं? इसके जो सदस्य देश होते हैं 194 सदस्य देश होते हैं। यह UNO की एक विशिष्ट एजेंसी है। UNO की एक विशिष्ट या आनुषंगिक एजेंसी है। UNO की एक आनुषंगिक या विशिष्ट एजेंसी है। इसके 194 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। मुख्य सचिव कौन है? महानिदेशक। इसके महानिदेशक की बात करते हैं तो इथोपिया देश के, किस देश के? इथोपिया, जो एक अफ्रीकी कंट्री है, इथोपिया देश के हैं, जिनका जन्म इट्रिया में हुआ था लेकिन उनको नागरिकता जो है इथोपिया की है। कौन है? इनका नाम होता है टेड्रोस एडानोम घिबेरियस। टेड्रोस अधानोम घिबेरियस किस देश के हैं? इथोपिया के हैं। इथोपिया देश के हैं टेड्रोस अधानोम घिबेरियस। ये महानिदेशक हैं, यानी हेड, WHO के हेड इसे कहते हैं। और उप महानिदेशक ये भारत की हैं। मुख्य वैज्ञानिक या उप महानिदेशक भारत की WHO में डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन WHO में उप महानिदेशक के पद पर कार्यभार संभाल रही हैं। और महानिदेशक इथोपिया के टेड्रोस अधानोम घिबेरियस हैं। 194 सदस्य देश हैं। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UNO की एक आनुषंगिक इकाई है विश्व स्वास्थ्य संगठन। उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है पूरे विश्व में सभी लोगों को स्वास्थ्य से जागरूक कराने और स्वास्थ्य जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों को वितरण करना विश्व स्तर पर, और स्वास्थ्य का उचित यानी उच्चतम स्तर बनाए रखना और पूरे विश्व में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता को फैलाना, इसका उद्देश्य है। भारत इसकी स्थापना कब होती है ये भी आपको बता देते हैं। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस वजह से हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके हेड है टेड्रोस अधानोम घिबेरियस। अब हम लोग दोस्तों, जैसे हम बताएं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य होता है विश्व में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाना। जैसे कि 2019 में कोविड-19 का नाम सुने होंगे, अभी दौर चल रहा है कोविड का। तो इसकी शुरुआत जैसे हम लोग कहते हैं या समाचारों में आता रहता है कि कोविड की शुरुआत जो है, कोविड-19 की शुरुआत चीन से हुई थी। कोविड-19 की शुरुआत चीन से हुई थी। 19 शब्द क्यों है? क्योंकि 2019 में इसको देखा गया था, कहाँ पर? चीन में। तो इसका नाम कोविड-19 रखा गया। कोविड क्या है? यह कोरोना वायरस डिजीज, इसका पूरा नाम होता है, कोविड का पूरा नाम होता है CO से कोरोना वायरस डिजीज, डी से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। इस वजह से हम इसको कोविड कहते हैं। और ये 2019 में आया था तो इसके नाम के आगे हम लगाते हैं 19। ये होता है कोविड-19 का फुल फॉर्म। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर क्या रुचि रखता है? पहले किसी भी बीमारी को, जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किसी भी बीमारी आती है तो उसको पहले एंडेमिक घोषित करता है। एंडेमिक, पहले एंडेमिक घोषित करेगा। जब इसका स्तर बढ़ेगा तो इसको एपिडेमिक घोषित करेगा। और जब इसका लेवल और भी ज़्यादा क्षेत्र में बढ़ जाता है, उसे पैंडेमिक घोषित किया जाता है। यानी इसका मतलब होता है स्थानिक रोग या बीमारी, क्षेत्रीय एपिडेमिक, यानी स्थानीय बड़े स्तर पर हो जाते हैं तो उसको स्थानीय बीमारी, इसे महामारी। ये तीन भागों में दोनों स्तरों पर इसको दिखाया जाता है। अब इसको समझाते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? किसी छोटे स्तर में, जैसे किसी एक विशेष शहर में हो जाता है, कोई एक बीमारी फैल जाती है तो उसको एंडेमिक कहते हैं, स्थानिक, क्षेत्रीय, स्थानिक। जब यही स्थानिक और ये क्षेत्र बड़ा ले लेता है तो उसे एपिडेमिक, एपिडेमिक यानी बड़े क्षेत्र को ले लेता है। इसके क्षेत्र जो है बढ़ जाती है, ये किसी देश में हो जाती है, ये किसी शहर में, समझेंगे, ये किसी शहर में फैला होता है और यह किसी देश में, एक देश में फैल जाता है। जब किसी देश में फैलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। अभी एग्जाम्पल उधर समझाएंगे। किसी, जब कई देश में फैल जाते हैं ये बीमारी, जब किसी बहुत देश में फैल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं महामारी। कई देश में फैल जाते हैं, जब कई देश में फैल जाती है उसे को महामारी। इसी एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कोरोना जब आया होगा, कोरोना जब आया होगा तो उसको चाइना में एंडेमिक घोषित किया होगा, कोविड-19। जब यह कोरोना आया होगा कोविड-19, तो उसको पहले WHO एंडेमिक यानी उसको स्थानीय रोग घोषित किया होगा। फिर यह एक शहर से दूसरे शहर में फैला होगा, देश में फैला होगा। पहले शहर से, जैसे चाइना का एक शहर आता है, उस शहर में, उस शहर से फिर पूरे देश में, चाइना में कवर कर दिया। जैसे पूरे चाइना में कवर किया तो उसको हम लोग नाम देंगे एपिडेमिक, स्थानीय या देसी बीमारी, ये पूरे देश में फैल गया। अब जब ये कई देश में फैल गया, अब तो कोविड-19 लगभग पूरे विश्व के हर देशों में फैला हुआ है। जब पूरे कई देश में या लगभग पूरे पृथ्वी फैल जाता है तो उसी बीमारी को WHO पैंडेमिक यानी महामारी घोषित कर देता है। तो कब घोषित किया था? प्रश्न में ये पूछता है कि कोविड-19 को महामारी WHO के द्वारा कब घोषित किया गया था? WHO के द्वारा कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया था।
कब? 11 मार्च 2020 को। आइए अब ये आपको बता दिए हम किस प्रकार से WHO का उद्देश्य होता है, इसकी गठन कब किया गया, ये आपको बता दिए। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए, कैसे प्रश्न बनते हैं कि WHO का गठन कब किया गया था, ये प्रश्न बनेगा। WHO के महानिदेशक कौन है, ये प्रश्न बनेगा। WHO में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, किस पद पर है, ये प्रश्न बनेगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न बनेगा। और फिर WHO का कार्य क्या है, ये बनेगा। WHO में कितने सदस्य हैं, ये तमाम प्रकार के प्रश्न WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको WHO से संबंधित जितनी भी जानकारी थी इस वीडियो में आपको बताए। और यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम वीडियो बनाए हैं उसको देखिए। और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।